अब अगले साल ईद पर नहीं आएगी ड्रीम गर्ल 2। पूजा आयुष्मान की फिल्म की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूँ प्रथा अरोड़ा। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म डॉक्टर जी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आयुष्मान एक ऐसे अभिनेता हैं जो अलग अलग किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते हैं और हर किरदार में ढल जाते हैं। 2019 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान पूजा बन लड़कों से बात करते नजर आए थे। वहीं अब फिल्म के सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट को लेकर नई जानकारी सामने आई है। ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के साथ नुसरत भरूचा नजर आई थी, तो अब ड्रीम गर्ल 2 में वह अनन्या पांडे के साथ नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही मेकर्स की ओर से फिल्म का टीजर जारी कर रिलीज डेट का ऐलान किया गया था। आयुष्मान खुराना वीडियो में बताते नजर आ रहे हैं कि इस बार पूजा 29 जून 2023 को ईद पर आएगी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट में बदलाव करने के पीछे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा है। दोनों ही फिल्म अगले साल ईद यानी 29 जून के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के टकराव से बचने के लिए ड्रीम गर्ल 2 के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया है। अब ये फिल्म 29 जून के बजाय 23 जून 2023 को रिलीज होगी। बता दें कि ड्रीम गर्ल 2 का निर्देशन राज शांडलिए ने किया है। वहीं एकता कपूर और शोभा कपूर इससे प्रोड्यूस कर रही हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे के अलावा अभिषेक बनर्जी, अनु कपूर और मनजोत सिंह भी नजर आने वाले हैं। साजिद नडियाडवाला द्वारा निर्मित सत्य प्रेम की कथा 29 जून को अगले साल ईद के मौके पर ही रिलीज होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज को फॉलो करें।